एक दो तीन चार चैन बना लेना, इसी तरह धागा लपेट के पहले वाला चैन में इसी तरह डबल क्रोशिया बना लेना। एक बार इसके चैन कर लेना, धागा खींच लेना, और इसी के अंदर से 7 राउंड धागा निकालना है। एक दो थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेना, तीन चार, ये 7 राउंड धागा निकाल लेना, और थोड़ा थोड़ा करके 4 बार इसके बांध लेना। एक दो तीन चार, इसके बांध लेना, इधर घुमा लेना। अब इसी के अंदर फिर 7 राउंड धागा निकालना है, इसी तरह एक दो, अभी 7 राउंड धागा निकाल लिए। अब थोड़ा थोड़ा करके 4 हिस्सा में बांधना है इसका, थोड़ा थोड़ा करके, एक दो तीन चार, अभी इधर के बच गया दोनों। अब इसके एक ही तागा से बांध लेना, अभी इसके 4 चैन अब इधर कर लेना, एक दो तीन चार, नाखून से पकड़ लेना, एक दो तीन चार, 4 चैन कर लेना। ये पहले वाला में इस तरह डबल क्रोशिया बना लेना, इसी तरह एक बार इसके एक बार बांध लेना, और थोड़ा तागा खींच लेना। इसके बीच से 7 राउंड धागा निकालना है, और इधर घुमा के इसके बीच से 7 राउंड धागा निकालना है। ये डिजाइन इसी तरह बन जाएगा। एक दो सात, 7 राउंड धागा निकाल लिए। अब इसके थोड़े थोड़े करके 4 हिस्सा में बांधना है। एक दो तीन चार, इसके बांध लेना, इधर घुमा लेना, और फिर इसी तरह 7 राउंड इधर धागा निकालना है। ये 7 राउंड धागा निकाल लिए। अब इसके 4 हिस्सा में बांधना है थोड़े थोड़े, एक दो तीन चार, इसके रोक लेना। अब इसके एक ही तागा से इस तरह बांध देना, और 4 चैन बना लेना, एक दो तीन चार, फिर नाखून से पकड़ लेना, फिर 4 चैन बनाना, एक दो तीन चार, इसी तरह एक बार डबल क्रोशिया इसके अंदर से बना लेना, इसी तरह एक चैन कर लेना। 7 राउंड धागा इसी के अंदर से निकालना है, 7 इधर से और 7 इधर से, थोड़ा तागा खींच लेना, इसी के अंदर एक दो, अरे 7 7 राउंड धागा निकाल लेना, इस 4 हिस्सा में बांधना थोड़े थोड़े, एक दो तीन चार, एक चैन से बांध लेना, और फिर इसी तरह इधर घुमा लेना, और इसमें इसी तरह 7 राउंड धागा निकालना, एक दो, 7 राउंड धागा निकाल के 4 हिस्सा में थोड़ा थोड़ा बांध लेना, एक दो तीन चार, ये दोनों के इसी तरह बांध लेना। जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना चाहते हो उतना लंबा यही पत्ता पहले बना लेना। ये जो बाना है, बाना इसी के बीच में इसी तरह चिट्टा धागा जोड़ लेना, इसी के बीच
तरह धागा इस तरह निकाल एक चैन करके बांध लेना। अभी इस तरह धागा लपेट के ये जो चार चैन बनाए इसी के अंदर बीच में इस तरह धागा निकाल लेना। जितना लंबा ये पाता है इतने लंबा धागा खींच लेना बराबरी में आ जा। इसी चैन में से पांच राउंड धागा खींचना है, एक दो पांच राउंड धागा खींच लिए। अब एक ही धागा से इसके बांध लेना, छह बार चैन कर लेना, एक दो तीन चार पांच छ, छह बार चैन करके अब इसी तरह धागा लपेट के इसी के अंदर से फिर इसके इसी तरह पांच बार निकालना जिस तरह बना है इसी तरह, एक दो पांच, पांच राउंड धागा हो गया। अब एक ही धागा से उसके बांध लेना, अब इस तरह एक चैन करके बांध लेना। अंदर एक पहला वाला बांधे हैं इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, इस तरह एक चैन कर लेना। जो चार चैन है इसके बीच में फिर इसी तरह पांच राउंड धागा निकाल लेना। इसी पता जितना लंबा है इसी के बराबर आ जाता होगा, दो पांच। अब एक ही तागा से उसके बांध लेना, एक चैन कर लेना, छह चैन करना, छह, एक दो तीन छह। अब फिर तागा लपेट के इसी तरह इसी के अंदर फिर पांच बार पांच राउंड धागा आपके निकालना है इसी तरह, एक दो पांच, पांच राउंड धागा। अब एक ही तागा से इसके बांध लेना इस तरह। अब ये तागा जो थोड़ा थोड़ा का बांध है ये लास्ट वाला के इसी में फिर इस तरह सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, एक दो तीन चार पांच छ, छ चैन बना लेना। और फिर ये जो बना है इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, फिर छह चैन बनाना, एक दो तीन छह। और फिर ये जो पहला वाला बांध है इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया से इस तरह बांध लेना। जिस तरह ये बाना है इसी तरह इधर बनेगा। अब इस तरह धागा लेके इसी के अंदर से फिर पांच राउंड धागा इसी तरह निकलेगा, एक दो पांच, पांच राउंड धागा हो गया। एक ही धागा से बांध लेना इस तरह, फिर छह बार चैन करना, एक, ये छह चैन हो गया बन गया। तरह धागा लेके फिर इसी के अंदर से पांच राउंड धागा निकालना है, एक थोड़ा तागा खींच लेना किसके बराबर में आ जाए, दो पांच, एक ही तागा से बांध लेना इसके, एक चैन कर लेना। ये जो बांधे लास्ट वाला इसी के पास सिंगल क्रोशिया से इसके फिर बांध लेना, एक चैन कर लेना। फिर इसी तरह तागा लपेट के इसी के अंदर फिर इसी तरह पांच राउंड धागा निकालना है, उसी तरह बनाना है जिस तरह ये बना है उसी तरह ये बना है उसी तरह ये बनेगा। और इसके ये जो लास्ट वाला में सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, एक छह चैन बना लेना इस सिंगल क्रोशिया से इसके अंदर बांध लेना, फिर छह चैन बना के इधर बांध लेना। अब इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बांध के कैंची के मदद से काट लेना, यहाँ धागा काटे यहीं पर जोड़ लेना, पीला रंग का धागा जोड़ लेना, अपने मन पसंद का धागा जोड़ लेना, इस तरह निकाल लेना, चार चैन बना लेना, एक दो तीन चार, और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया से इस तरह बांध लेना। फिर अब इसके अंदर इसी तरह सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, चार चैन बना लेना, एक दो तीन
चार सिंगल क्रोशिया से इसके अंदर बांध लेना, फिर सिंगल क्रोशिया से इसी के अंदर बांध लेना, चार चैन फिर बना लेना, एक दो तीन चार, चार चैन बना लेना। ये जो चैन बनाए इस सिंगल क्रोशिया बांध है इसी के अंदर ये चैन बांध लेना, इसी के अंदर। इस तरह सिंगल क्रोशिया से इसका बांध लेना। अब इसके अंदर इस तरह दो आठ बार सिंगल क्रोशिया बना लेना, और इसके बीच सिंगल क्रोशिया से इसके बीच बांध लेना, और सिंगल क्रोशिया से बांध लेना, चार चैन बना लेना, एक दो तीन चार, और इसके अंदर बनना, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर इस तरह, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से बांध लेना इस तरह, फिर चार चैन बना लेना, एक इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से बांधना, इसके अंदर इस तरह, फिर सिंगल क्रोशिया इसी के अंदर एक बार और बना लेना, एक तीन चार, चार चैन बना लेना, और इसके अंदर फिर सिंगल क्रोशिया से बांधना, एक चैन बना लेना। अब आठ बार सिंगल क्रोशिया बनाना इसके अंदर, आठ आठ बार सिंगल क्रोशिया, क्रोशिया इसी के अंदर एक बार और बांध लेना, चार चैन बनाना, एक अब इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया से इसी तरह बांध लेना, अब इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से इस तरह बांध लेना, चैन बना लेना, तीन चार, अभी चार चैन बना लेना, और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया से बांध देना, आठ बार सिंगल क्रोशिया बना लेना। अब इधर भी आठ बार सिंगल क्रोशिया बन गया, अब इधर आठ बार सिंगल क्रोशिया बना लेना, इस तरह सिंगल क्रोशिया बांध लेना, अब चार चैन बनाना, एक दो तरह बना है उसी तरह इधर बनेगा, तीन इधर डिजाइन बनेगा, आठ बार इसमें सिंगल क्रोशिया, तीन इसमें डिजाइन बनेगा, इसमें इसमें तीन, आठ बार इसमें सिंगल क्रोशिया, और जिस तरह बना है उसी तरह इधर बनेगा, जिस तरह छोटा बना है उसी तरह बड़ा बना है, जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना चाहते हो उतना लंबा बना लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना डिजाइन कैसा लगा आपको। बाय दोस्तों।